हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन ऑल द क्वाड्रेंट्स। देखो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको पॉइंट का पोजीशन रीड करना आता है तो आप आसानी से कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का प्रॉब्लम या कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होता कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। एक दो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें लिखा होता है, जिसमें मेंशन होता है कि पॉइंट पी इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट या इन द थर्ड क्वाड्रेंट या इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेंशन होता है। लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है ये लिखा नहीं होता। और अगर आपको क्वाड्रेंट नहीं पता तो आप कोई भी प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। तो क्वाड्रेंट पहचानते आना चाहिए। तो क्वाड्रेंट पहचानने के लिए आपको पॉइंट का पोजीशन रीड करते आना चाहिए। क्वेश्चन में पॉइंट का पोजीशन दिया रहेगा कि पॉइंट एचपी और वीपी के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर या नीचे है, कितना आगे या पीछे है, वो दिया रहेगा। तो वो स्टेटमेंट से आपको ये पहचानते आना चाहिए कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। इसलिए आज का ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का आगे चल के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, काफी सारे टॉपिक्स जो है वो उसी के थ्रू समझ सकते हैं। इसलिए ये आज का बेसिक लेक्चर, ये आज के बेसिक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक स्टडी करते समय आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं और ये फोर क्वाड्रेंट्स दो एक्सिस से बनते हैं। पहली है एक्स एक्सिस और दूसरी है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, और वाई एक्सिस हमेशा वर्टिकल होती है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। और ये दोनों एक्सिस से क्वाड्रेंट्स बनते हैं। देखो यहां पे हमने एक डायग्राम बनाया है, इससे आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये है एक्स एक्सिस, देखो ये है एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल है, दैट इज पैरेलल टू द ग्राउंड, और ये है वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ठीक है, एक्स एक्सिस ऐसी आड़ी है और वाई एक्सिस ऐसे खड़ी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और ये दोनों एक्सिस से यहां पे फोर क्वाड्रेंट्स बने हैं। तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग साइन भी होता है। चलो यहां पे हम आपको साइन जो है वो भी आपको बता देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन हमेशा निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन हमेशा निगेटिव निगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन हमेशा पॉजिटिव निगेटिव होता है। वैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में ये जो साइन हमने लिखे हैं इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो साइन है ये हमने आपको यहाँ पे इसलिए बताया है क्योंकि इससे बहुत कुछ समझ में आता है। देखो साइन देख के आपको ये समझ में आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एक मेक का रेसिप्रोकल है। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का उल्टा थर्ड क्वाड्रेंट, या उल्टा बोलो थर्ड क्वाड्रेंट का उल्टा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरह से यहां पे आप सेकंड और फोर्थ में भी आप ये स्टेटमेंट कह सकते हैं। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है माइनस प्लस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है प्लस माइनस। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट एक मेक का रेसिप्रोकल होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट का उल्टा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का उल्टा सेकंड क्वाड्रेंट, ऐसा। ठीक है, तो ये समझना काफी आसान है। और ये जो अभी हमने यहां डायग्राम बनाया है ये टू डायमेंशनल व्यू है, ये एक 2D व्यू है। लेकिन इसी का अगर हम इसका 3D व्यू अगर ड्रॉ करें, इट मीन्स आइसोमेट्रिक व्यू अगर ड्रॉ करें, चलो यहां पर एक इसका 3D व्यू बना के आपको बताते हैं। तो ये देखिए, ये है वो 3D व्यू जिसकी हम बात कर रहे थे। यहां पे ये जो हमने 2D व्यू पढ़े जिसमें हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखे जिसके वजह से चार क्वाड्रेंट्स बने हैं, इसी को 3D फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पे आपको दो प्लेन्स दिखाई दे रहे, एक है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और दूसरा है ये वर्टिकल प्लेन। इट मीन्स ये आड़ा है और ये खड़ा है, ये आड़ा प्लेन है दैट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये खड़ा प्लेन है इट मीन्स वर्टिकल प्लेन। इसी को ये जो डायग्राम आप जो देख रहे हैं इसी का अगर हम मॉडल तैयार करें तो देखो हम इसको आपको मॉडल के थ्रू समझाएंगे। इसका एक्चुअली हमने एक मॉडल यहां पे तैयार किए हैं, ये देखिए ये है वो मॉडल, इसके थ्रू हम आपको समझाएंगे। जो डायग्राम आप वहां पे देख रहे हैं बोर्ड पे उसी का हमने यहां पे मॉडल तैयार किया है। देखिए ये है वो मॉडल, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए ऐसा है वो। ठीक है, ये हमने मॉडल यहां पे तैयार किए हैं। ठीक है, ओके, तो ये जो मॉडल है वो जो डायग्राम है और ये जो मॉडल है वो दोनों एक ही है। ठीक है, ये जो मॉडल है इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसा अगर टिल्ट करें, देखो हमने ऐसा टिल्ट किए हैं और जहां से आप देख रहे हैं ये मॉडल को, अगर आप यहां से फ्रंट से अगर आप देखते हैं, जहां से आप देख रहे हैं वहां से अगर आप देखेंगे
तो आपको दो लाइंस आपको दिखाई देंगी, ये जो प्लेन है ये प्लेन का ये एक एज आपको दिखाई देगा, ये देखो ये एक एज दिखाई देगा और ये एक एज दिखाई देगा, ये आड़ा है और ये खड़ा है, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है यही है एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल है यही है वाई एक्सिस, जिसके वजह से ये चार क्वाड्रेंट्स बने हैं, ये क्वाड्रेंट नंबर वन, ये क्वाड्रेंट नंबर टू, ये क्वाड्रेंट नंबर थ्री और ये क्वाड्रेंट नंबर फोर। इसी को हमने यहां पे शो किया है, देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस क्वाड्रेंट नंबर वन टू थ्री फोर। इसी को अगर हम ये जो मॉडल हमने बनाया है ये मॉडल को अगर हम इसके ऊपर सेट करते हैं, देखो इसके ऊपर अगर हमने पुट किए तो ये आपको दिख रहा है कि ये है एक्स एक्सिस ये है वाई एक्सिस, ठीक है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इसका 3D मॉडल ये देखो 3D शेप में हमने जो ड्रॉ किए वो ये है इस तरह से। तो आज हम क्या स्टडी कर रहे हैं, आज हम पोजीशन ऑफ पॉइंट्स इन ऑल द क्वाड्रेंट्स स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पे सभी क्वाड्रेंट्स में पॉइंट का पोजीशन हमें चेक करना है, ठीक है। तो जैसा हमने कहा ये 3D मॉडल हमें जो बनाया है इसमें दो प्लेन्स है, ठीक है। ये देखिए यहां पे आप देख सकते हैं ये एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल है और ये एक प्लेन है वो वर्टिकल है, ये देखो ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये है वर्टिकल प्लेन। ये दोनों प्लेन्स को अगर हम अलग अलग करें तो ये देखो ये हम आपको बताना चाहेंगे, ये देखिए ये दोनों प्लेन्स को हम आपको अलग करके बताते हैं, ये देखिए ये है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके ये है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो ऐसा रहता है, ठीक है, और ये है वो वर्टिकल प्लेन, देखो ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है और ये वर्टिकल प्लेन जो है, ये दोनों को जब आप इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर लेंगे, दोनों को जब ज्वाइन कर लेंगे तो ऐसे क्वाड्रेंट्स बनते हैं, ये देखिए ऐसा, समझ गए आप, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, ये सेकंड क्वाड्रेंट बना, ये थर्ड बना, ये फोर्थ बना, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, समझ गए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसी को कहते हैं एचपी और ये जो वर्टिकल प्लेन है इसी को कहते हैं वीपी, ये एचपी ये वीपी और ये सभी क्वाड्रेंट्स में होते हैं। ये क्वाड्रेंट नंबर वन में भी है एचपी वीपी, क्वाड्रेंट नंबर टू में भी है एचपी वीपी, क्वाड्रेंट नंबर थ्री में भी है एचपी वीपी, क्वाड्रेंट नंबर फोर्थ में भी है एचपी वीपी, ठीक है। लेकिन जब यहां पे पॉइंट जब डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होते हैं तो उसका पोजीशन क्या है वो हमें स्टडी करना है। तो देखो यहां पे जस्ट मिनट, यहां पे पहले हम लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये है एचपी, तो हम यहां लिख लेंगे दैट इज एचपी, और ये जो वर्टिकल प्लेन है हम इसके ऊपर लिख लेंगे दैट इज वीपी, और ये एचपी और वीपी का यूज करके अब हमें यहां पे पॉइंट्स का पोजीशन चेक करना है। तो पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है, देखो पॉइंट है यहां पे, ये पॉइंट को ले लो पॉइंट पी, पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऐसा, पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कुछ ऐसा, पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये हम शो करेंगे, पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये हम शो करेंगे। देखो पॉइंट पी जो है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में है, तो पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हम यहां शो करेंगे 3D फॉर्म में, पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो यहां हम शो करेंगे, पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये हम यहां शो करेंगे, पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये हम यहां पे शो करेंगे। अब देखो ये पॉइंट का पोजीशन कैसे रीड करना, तो ये पॉइंट का पोजीशन समझने के लिए, पॉइंट का पोजीशन रीड करने के लिए ये 3D मॉडल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। तो उसके लिए हम एक सबसे पहले पॉइंट ले लेंगे। तो ये देखो ये एक ब्लैक कलर का हमने यहां पर एक डॉट लिया है, ठीक है, ये हमने एक पॉइंट लिया है, ये है पॉइंट पी, ठीक है, ये है पॉइंट पी। और आप समझिए यहां से हम पॉइंट का पोजीशन जो समझेंगे, यहां से जो वीडियो रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसको पूरा आप समझना, ये वीडियो पूरा देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये देखिए ये हमने एक पॉइंट ले लिए और ये पॉइंट को ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखे, ठीक है, पॉइंट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम इसको कैसे रीड करेंगे, पॉइंट पी इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर अगर पॉइंट है तो पॉइंट पी इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, यहां पर अगर पॉइंट है तो पॉइंट पी इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और पॉइंट अगर यहां पे है तो पॉइंट पी इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये देखिए पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ओके। अब यहां पे आप समझेंगे ये पॉइंट पी जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है, लेकिन अब ये पॉइंट का पोजीशन रीड करने के लिए ये पॉइंट पी एचपी और वीपी के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या है वो हमें चेक करना है। कैसे चेक करना, तो यहां पर आपको चार वर्ड्स ये आपको ध्यान में रखना है, चार वर्ड्स, हम आपको फोर वर्ड्स यहां पे पहले बता देते हैं। वो फोर वर्ड्स अगर आपको पता चल गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम में आसानी से पॉइंट का पोजीशन रीड कर सकते हैं। तो वो फोर वर्ड्स क्या है ये आप चाहे तो अपने नोटबुक में लिख के रखो, काफी सिंपल वर्ड्स है, ठीक है। देखो ये एक वर्ड है, पहला वर्ड अबव, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड है बिलो, तीसरा वर्ड है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, और चौथा वर्ड है बिहाइंड,
ये चार वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। अबव मतलब आपको, चलो हम आपको हिंदी में यहां पे बता रहे, अबव माने ऊपर, ठीक है, बिलो माने नीचे, बिलो माने नीचे, इन फ्रंट ऑफ माने सामने, इन फ्रंट ऑफ इट मीन सामने, और बिहाइंड माने पीछे। तो ये जो हमने लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इसी के वजह से कंफ्यूज होते हैं कि इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या, बिहाइंड मतलब क्या, पॉइंट अगर आगे है तो क्या कहना, पीछे है तो क्या कहना, ऊपर है तो क्या कहना, नीचे है तो क्या कहना। ऐसे में ये पॉइंट्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो चलो यहां पर अब हम पॉइंट का पोजिशन चेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में। तो उसके लिए हम फिर से मॉडल जो है वो हम ले लेंगे। ये देखिए, ये हमने फिर से मॉडल ला लिए और यहां पर यह पॉइंट पी है। पॉइंट पी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो पॉइंट पी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये देखिए, पॉइंट पी अगर यहां पे हमने रखे तो हम कहेंगे पॉइंट पी इज इन द एचपी। लेकिन अगर ये पॉइंट पी थोड़ा सा अगर हम ऊपर ले लेंगे तो हम इसको कहेंगे पॉइंट पी इज अबव एचपी। ये देखो, ये वाला वर्ड है अबव, पॉइंट पी इज अबव एचपी, ठीक है। अगर यही पॉइंट पी अगर हम यहां नीचे ले ले, देखो यहां पे अगर नीचे ले ले तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे। पॉइंट अगर यहां पे है तो हम कहेंगे पॉइंट पी इज बिलो एचपी, ये हो गया पॉइंट पी इज अबव एचपी, ये हो गया पॉइंट पी इज बिलो एचपी। इसका मतलब ये वाला वर्ड आ गया, ठीक है, इसका मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है। और अगर यहां पर अगर पॉइंट पी है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पे अगर पॉइंट पी है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन अगर यहां पॉइंट पी है तो पॉइंट पी सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन पॉइंट पी अबव एचपी है। देखो एचपी से ऊपर, ये एचपी है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इससे ऊपर है, पॉइंट पी इज अबव एचपी। और पॉइंट पी अगर यहां पे है तो पॉइंट पी थर्ड क्वाड्रेंट में है और पॉइंट पी इज बिलो एचपी। इसका मतलब ये होता है पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम कहेंगे पॉइंट पी इज अबव एचपी, इसमें भी अबव एचपी और इसमें भी अबव एचपी। पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम कहेंगे पॉइंट पी इज बिलो एचपी, देखो इसमें भी बिलो एचपी और इसमें भी बिलो एचपी। तो ये हो गया एचपी के रिस्पेक्ट में। चलो अब देखते हैं वीपी के रिस्पेक्ट में, यानी वर्टिकल प्लेन के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पोजिशन। तो पॉइंट पी अगर यहां पे है तो वो देखो वीपी के सामने है। हमने यहां पे दो वर्ड्स लिखे हैं, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने और बिहाइंड मतलब पीछे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर सामने है तो इन फ्रंट ऑफ कहो और अगर पीछे है तो बिहाइंड कहो, ठीक है। देखो ये हमने पॉइंट पी यहां पे सेट किया है, अगर ये पॉइंट पी यहां है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो वीपी के सामने है, इसका मतलब हम कहेंगे पॉइंट पी इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। और अगर यहां हमने अगर पुट किए पॉइंट पी तो वो वीपी के पीछे है, तो वो वीपी के पीछे है। देखो आप जहां से देख रहे हैं, आप जहां से देख रहे हैं, ये सामने हो गया आपके लिए और ये पीछे हो गया, ये सामने ये पीछे, इट मीन्स ये इन फ्रंट ऑफ और ये बिहाइंड। देखो बिहाइंड माने पीछे, ठीक है। तो यहां पे है तो इन फ्रंट ऑफ वीपी, पॉइंट अगर यहां पे है तो बिहाइंड वीपी, वीपी के सामने और ये वीपी के पीछे, ठीक है, ये ऐसा पीछे हो गया। यहां पे है तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में समझते हैं, पॉइंट अगर यहां पे है तो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये वीपी के सामने है। देखो ये वीपी के सामने, सामने का हिस्सा, वीपी के सामने, इट मीन्स इन फ्रंट ऑफ वीपी, पॉइंट पी इज इन फ्रंट ऑफ वीपी। और पॉइंट अगर यहां पर है तो पॉइंट इज बिहाइंड द वीपी, वीपी के पीछे है, जहां से आप देख रहे हैं उसके लिए ये सामने का हिस्सा हो गया, ये पीछे का हिस्सा हो गया। तो यहां है तो सामने, इट मीन्स इन फ्रंट ऑफ वीपी, यहां है तो पीछे, इट मीन्स बिहाइंड द वीपी। तो इससे यह समझ में आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कह रहे, सुनो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट जब भी होता है तो वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ वीपी होता है, दैट इज वीपी के सामने। और अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हो तो पॉइंट हमेशा बिहाइंड द वीपी होता है, यानी वीपी के पीछे, समझ गए। तो फाइनली हमने पॉइंट का पोजिशन एचपी और वीपी के रिस्पेक्ट में अलग अलग हमने आपको बता दिए। लेकिन जब कभी भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको पॉइंट का पोजीशन क्वेश्चन में जो लिखा होता है वो एचपी वीपी के दोनों के रिस्पेक्ट में लिखा होता है, तो वो दोनों के रिस्पेक्ट में आपको पता होना चाहिए। चलो अब सभी क्वाड्रेंट्स में दोनों के रिस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन स्टडी करते हैं। तो पॉइंट पी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिए। देखो पॉइंट पी जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका पोजीशन हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सुनो अच्छे से इसको। पॉइंट पी इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट पी इज अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, मतलब पॉइंट पी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
पॉइंट पी एचपी से ऊपर है और वीपी के सामने है। तो ये देखिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट का पोजीशन लिखा है। पॉइंट जब कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो ये स्टेटमेंट होता है पॉइंट इज अबव द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। ये स्टेटमेंट अगर है तो समझ जाओ पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलो देखते हैं अब सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर से इसको मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो ये देखिए पॉइंट यहां पे है, तो अगर हम इसका पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट पी इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, पॉइंट पी एचपी से ऊपर है और वीपी के पीछे है। क्या कहा, एचपी से ऊपर और वीपी के पीछे, इट मींस पॉइंट पी इज अबव द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, एचपी से ऊपर वीपी के पीछे। चलो इसको लिखते हैं, तो ये देखिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट का पोजीशन लिखा है, पॉइंट पी इज अबव एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। अब चलो देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट इट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट। देखो थर्ड क्वाड्रेंट माने यहां पे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट पी अगर हम यहां पे रखे तो उसका पोजीशन हम अगर एक्सप्लेन करें तो हम ऐसा कहेंगे पॉइंट पी इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, पॉइंट पी इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। क्या कह रहे, पॉइंट पी एचपी के नीचे है और वीपी के पीछे है, एचपी के नीचे वीपी के पीछे, यानी बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी। ठीक है, तो हम चलो वो पोजीशन यहां पे लिखते हैं। तो ये देखिए हमने थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट पी का पोजीशन लिखा है। पॉइंट पी थर्ड क्वाड्रेंट में जब होता है तो ऐसे लिखा होता है, पॉइंट पी इज बिलो द एचपी एंड बिहाइंड द वीपी, इट मींस एचपी के नीचे वीपी के पीछे। ओके, तो इस तरह से। और अब देखते हैं लास्ट क्वाड्रेंट जो कि है फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट ये मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट माने ये वाला। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट है तो पॉइंट पी का पोजीशन एक्सप्लेन करो, तो पॉइंट पी का पोजीशन क्या कहलाएगा, पॉइंट पी इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉइंट पी इज बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। क्या कह रहे हैं, बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, इट मींस एचपी के नीचे और वीपी के सामने, पॉइंट पी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। चलो उसका पोजीशन लिखते हैं। तो ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा है, पॉइंट पी इज बिलो द एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी। इस तरह से ये चारों क्वाड्रेंट्स में हमने पॉइंट पी का पोजीशन आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अबव एचपी इन फ्रंट ऑफ वीपी, एचपी के ऊपर वीपी के सामने। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अबव एचपी बिहाइंड वीपी, यानी एचपी से ऊपर वीपी के पीछे। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बिलो एचपी बिहाइंड वीपी, यानी एचपी के नीचे वीपी के पीछे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बिलो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी, यानी एचपी के नीचे और वीपी के सामने। ठीक है, इसलिए हमने ये चार वर्ड्स आपको लिख के दिए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये नहीं लिखा है तो आप ये नोटबुक में लिख के रखो, और ये पूरा जो कुछ भी अभी तक हमने बताया है ये सब कुछ आप अपने ड्रॉइंग बुक में लिख के रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको पता है, ये बेसिक अगर आपको पता है, तो इसके आने वाले वीडियोज में हम जब इसके आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने पॉइंट पी का आज के वीडियो में पॉइंट पी का पोजीशन चेक किए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पॉइंट पी का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे बनता है और कहां पे बनता है वो हम स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू टॉप व्यू का पोजीशन चेंज होते रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहां बनता है, ऊपर या नीचे। सेकंड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू कहां बनता है, ऊपर या नीचे। थर्ड में कहां बनता है, फोर्थ में कहां बनता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये सब अगर आपको पता है तो आप आसानी से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बोलो या प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बोलो, कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वाड्रेंट्स में पॉइंट का पोजीशन आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।